हेलो अरविंद, कैसे हो आप सब? हो प्यार, सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम डी आरबी में। तो भाई, आज जो मैच होने वाला है वो कॉम्बिनेशन का मैच है। तो टेस्टिंग चल रही है इनको, जो हमारे राइजिंग प्लेयर है वो कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे सुप्रीम स्क्वाड के प्लेयर है, क्योंकि आगे जाके इनको भी भाई बड़े बड़े जो टीमें हैं उनसे मैचेस करने होंगे। तो इस वजह से इनके कॉम्बिनेशन चले हैं। तो कॉम्बिनेशन में आज होने वाले हैं महेंद्र और आरजी, और दूसरी तरफ होने वाले हैं ब्लैक ट्विस्टर और रोहित। तो काफी मजेदार मैच होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना मैच स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी चैनल पर नहीं आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक गाइस लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना मैच स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैच हो चुका है स्टार्ट, और पहला ही राउंड हमारा फैक्ट्री की तरफ आया है। और 2v3 का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया, तो कॉम्बिनेशन इसलिए बनाए जा रहे हैं गाइस ताकि ये बड़े प्लेयर के साथ, जो हमारे सुप्रीम स्क्वाड के प्लेयर हैं, उनके साथ एक घुल मिल जाए राइजिंग के प्लेयर, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए खेले और देखे कि कैसे ये खेलते हैं। तो पहले यहाँ पर राउंड होने वाला है, और देखना है कि पहला खेल किसकी तरफ से आएगा। यहाँ पर जरूर इंतजार रहेगा। आरजी को डैमेज अच्छा खासा यहाँ पर मिला है, और रोहित जरूर दूर से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन महेंद्र की तरफ से यहाँ पर हेड जरूर देखने को मिलेंगे और ब्लैक को जरूर लेके जाएंगे। यहाँ पर महेंद्र 2v2 की फाइट बन चुकी है, और आरजी प्लेयर की अगर बात करें तो आरजी प्लेयर काफी यहाँ पर मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन मुसीबत को काम करेंगे, ट्विस्टर को खत्म करेंगे। और यहाँ पे हल्ला बोल दिया है, हेड भी खोल दिया है, और आरजी के डबल किल आएंगे यहाँ पर, और 1-0 से लीड में लेके जाएंगे अपनी टीम को। तो उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखता हुआ, जैसा कि मैंने बोला कि आरजी और महेंद्र दोनों ही एक दूसरे की परछाई है, क्योंकि दोनों ही काफी खतरनाक रश करके यहाँ पर खेलते हैं, और आरजी काफी यहाँ पर अच्छा गेम प्ले दिखता हुआ आरजी का। दूसरे राउंड की अगर बात करते हैं तो पोजिनो की तरफ अभी बार राउंड आया है, और आरजी राइट से यहाँ पर घूम के जरूर जाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो हमारे ट्विस्टर, ब्लैक और रोहित का अभी तक खाता नहीं खुला, तो दरकार जरूर यहाँ पर खाता खुलने की रहेगी, और वापसी की उम्मीदें जरूर यहाँ पर रहेगी। तो 2v3 का ही मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर टीम डी बनाम टीम डी है, कॉम्बिनेशन मैच चल रहा। महेंद्र को डाउन ले लिया गया है, एडवांटेज आ चुका है, अब आरजी अकेले बचे। ट्विस्टर अपना खाता जरूर यहाँ पर खोलेंगे, रोहित को यहाँ पर भेजा जा चुका है। तो 1v3 का ये फाइट बन चुकी है, क्या आरजी 1v3 क्लच कर पाएंगे, इसका जवाब थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या यहाँ पर खाता खोलेंगे हमारी दूसरी टीम के प्लेयर। तो ब्लैक यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमला बोलता हुआ आरजी के ऊपर, और रोहित यहाँ पर एक किल जरूर निकाल के लेके जाएंगे, और इसी के साथ एक एक से अपनी टीम को वापसी करवाएंगे। तो यहाँ पर मुकाबले में जान जरूर वापस आ चुकी है, और मुकाबला बराबरी का हो चुका है, तो मैच पूरी तरीके से जरूर खुल चुका है। लेकिन ब्लैक का अभी तक अगर बात करें तो डी ब्लैक का अभी तक खाता नहीं खुला, तो इंतजार जरूर रहेगा यहाँ पर खाता खुलने के, डी ब्लैक का भी खाता जल्दी से खुल जाए। तो गाइस, तीसरे राउंड की अगर बात करें तो तीसरा राउंड हमारा सेंटोसा में बना है, और गोलियों की बरसात हो चुकी है यहाँ पर आरजी की तरफ रोहित। तो ये स्ट्रेटेजी हमें पिछले राउंड में भी देखने को मिली थी कि आरजी की तरफ रोहित को भेजा जा रहा है, और 1v2 ब्लैक और ट्विस्टर यहाँ पर महेंद्र को लेके जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी काम पिछले राउंड में जरूर करके गई थी, इस राउंड में करेगी या नहीं करेगी। आरजी को यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज मिला है, 2v3 की फाइट चलती हुई यहाँ पर महेंद्र को डैमेज मिल चुका है। 1v2 का यहाँ पर क्लच क्या निकाल पाएंगे महेंद्र, क्योंकि रोहित यहाँ पर आरजी को बिजी रख रहे हैं। अगर बात करें तो गाइज, यहाँ पे स्ट्रेटजी तो काफी अच्छी इस्तेमाल की गई है, लेकिन यहाँ पर रोहित को डाउन किया जाएगा, 5 की हेल्थ पे रोहित को डाउन किया गया, और यहाँ पे 2v2 की फाइट बनती हुई यहाँ पे। अब देखना तो गाइज, देखना होगा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ महेंद्र को डाउन ले लिया गया, और पीछे से लेके गए हैं आरजी ने डाउन ले लिया है ट्विस्टर को, लेकिन यहाँ पर रिवाइव मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिवाइव मिलेगा, जी हाँ गाइस, रिवाइव जरूर मिलेगा यहाँ पर। और आरजी की हेल्थ यहाँ पे काफी कम हो चुकी है, लेकिन महेंद्र को रिवाइव नहीं मिलेगा। ब्लैक ने अपना खाता खोल दिया है यहाँ पर, और गाइस अगर बात करते हैं तो 1v2 का यहाँ पर फाइट बन चुकी है। 1v2 का क्लच यहाँ पर आरजी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे गाइस, ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुकाबले में जान बरकरार है। आरजी कुछ भी कर सकते हैं और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ट्विस्टर और ब्लैक इनका गेम प्ले भी काफी यहाँ पर सराहनीय जरूर है। और विगुल किसके तरफ से बजने वाला है, जीत का विगुल और लीड का विगुल, लीड किसके हाथों में जाने वाले, आरजी को पीछे से डैमेज जरूर मिलेगा। ब्लैक यहाँ पर ग्लोवाल लगा रहे हैं, काफी गोली चला रहे, ग्लोवाल लगा रहे, स्ट्रेटजी अफेल है, जोन छोटा हो चुका है, जोन छोटा होगा तो भसड़ होगी, और वही भसड़ में आरजी का किल लेके जाएंगे ब्लैक, और 2-1 से लीड में आएंगे ब्लैक। तो काफी अच्छा यहाँ पर और सराहनीय यहाँ पर गेम प्ले चल रहा है दोनों की तरफ से, 2-1 में लीड में
आ चुकी है हमारी ब्लैक ट्विस्टर और रोहित की टीम। चौथा राउंड आज का है, चौथा राउंड अब की बार हमारा क्लॉक टावर पे बना है। तो गाइस ये मुकाबला 2v3 का ये मुकाबला चल रहा है और आरजी से उम्मीदें काफ़ी है क्योंकि हमारे राइजिंग स्क्वेड के काफ़ी उभरते हुए सितारे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो महेंद्र यहाँ पर कम चल रहे हैं और ब्लैक पीछे से यहाँ पर ज़रूर डैमेज देंगे और डाउन भी लेके जाएंगे। यहाँ पर ट्विस्टर को महेंद्र डाउन ले गए हैं और 2v2 की फाइट बन चुकी है। वापसी का यहाँ पर रास्ता दिख रहा है, ज़रूर यहाँ पर वापसी करा सकते हैं और यहाँ पर लेकिन महेंद्र को जरूर डाउन लिया गया। दूसरी तरफ रोहित डाउन है तो रोहित को क्या रिवाइव मिलेगा, क्या महेंद्र को रिवाइव मिलेगा? ये तो जवाब मिल गया, महेंद्र को रिवाइव तो नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर रोहित, लेकिन ब्लैक का यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है और 3-1 से लीड में लेके आएंगे और लगातार प्रेशर बनाएंगे आरजी और महेंद्र पर। तो आरजी और महेंद्र को वापसी का रास्ता देखना होगा। अगर वापसी का रास्ता अभी नहीं देखा तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा और मैच निकाल के लेके चले जाएंगे यहाँ पर ब्लैक ट्विस्टर और रोहित। तो गाइस पांचवा राउंड आज का है और ऑब्जर्वेटर की तरफ भी राउंड बना है और महेंद्र और आरजी से काफ़ी आशे हमारी कि वो वापसी करेंगे। वापसी की उम्मीद उनकी तरफ से थोड़ी सी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आरजी और महेंद्र यहाँ पर एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। ट्विस्टर को डैमेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। 2v3 की फाइट चलती हुई यहाँ पर आरजी का गेम प्ले काफ़ी सुधार किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेम प्ले बनाया है। जैसा कि मैं बोलता हूं, जब भी आरजी का गेम प्ले मैं देखता हूं तो मेरे को लगता है कि महेंद्र खेल रहा है, क्योंकि जितना रश करके महेंद्र खेलता है वैसा ही डेडली रश करके यहां पर आरजी खेलता है। तो 2v3 की फाइट जरूर बनी है, डैमेज जरूर दे रहे हैं आरजी, लेकिन उतना डैमेज हो नहीं रहा है कि बंदे को डाउन किया जाए, नॉक किया जाए। तो महेंद्र की तरफ से क्या पहला किल इस राउंड में देखने को मिलेगा, ये तो गाइस थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा कि पहला किल किसकी तरफ से हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं गाइस 2v3 की फाइट बनती है। डैमेज तो काफी अच्छा खासा यहां पर मिल रहा है लेकिन डाउन नहीं आ रहा, क्योंकि लेकिन डैमेज के साथ साथ डाउन भी आएंगे यहाँ पर। ट्विस्टर को जरूर यहाँ पर डाउन ले लिया गया है। 2v2 की फाइट बन चुकी है, वापसी की उम्मीदें हो चुकी है। 2v2 की फाइट कौन ही मैच लेके जाने वाला है, किसका अगला खेल आने वाला है, ट्विस्टर को रिवाइव मिलेगा या नहीं मिलेगा? जोन में मरेंगे ट्विस्टर, यहाँ पे मर जाएंगे, जरूर मरेंगे। 2v2 की फाइट बन चुकी है, महेंद्र को पहला किल मिल चुका है यहाँ पर। तो गाइस होने का वाला है ब्लैक रोहित या आरजी महेंद्र किसकी तरफ राउंड जाने वाला है? जोन छोटा होगा, 62 बचेगी इनके बीच में, जितना जोन छोटा होगा। ब्लैक को यहाँ पे डाउन ले लिया गया है, ब्लैक का किल भी आएगा और रोहित का किल भी आएगा। एक एक किल दोनों आरजी और महेंद्र लेके जाएंगे और 2-3 से यहाँ पर वापसी करेंगे और अपनी टीम को एक उम्मीद जरूर दिलाएंगे यहाँ पर महेंद्र कि अभी हम जिंदा हैं, अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। तो 2-3 से यहाँ पर वापसी करवाएंगे महेंद्र और आरजी का गेम प्ले की तारीफ यहाँ पर जरूर मैं करूँगा। तो काफ़ी यहाँ पर उम्दा गेम प्ले चलता हुआ और आरजी की तारीफ जरूर, जैसा कि कोऑर्डिनेशन बना के खेल रहे हैं महेंद्र के साथ, वो काबिल तारीफ जरूर है। छठा राउंड आज का है और छठा राउंड केप टाउन की तरफ बना है। तो मैं जैसे बात कर रहा था, स्ट्रेटजी जरूर लगा रहे हैं यहाँ पर रोहित को भेजा जा रहा है महेंद्र के पास, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है क्योंकि आरजी का गेम प्ले भी काफ़ी उम्दा है और यहाँ पर डाउन ले लिया गया है। लगता है महेंद्र को यहाँ पर डाउन ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर महेंद्र को डाउन गया, यहाँ पे निस्तानाबूद कर दिया गया है आरजी महेंद्र सबको ही भाई, खत्म कर दिया गया है यहाँ पर। और ये तो राउंड स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया और इतना डेडली रश किया और राउंड को निकाल के लेके गए और 4-2 से यहाँ पे लीड में जरूर आ चुके हैं ब्लैक ट्विस्टर और रोहित। सातवां राउंड होने वाला है और मिल की तरफ अब की बार राउंड ने रुक किया है। तो पिछले राउंड की अगर बात करें तो पिछला राउंड गाइस आपको सभी को मतलब इतना जल्दी खत्म हो गया कि वहां पे हुआ क्या, क्योंकि रोहित की यहाँ पर हेल्थ काफी कम थी। और लेकिन इस राउंड की अगर बात करते हैं तो महेंद्र और ट्विस्टर एक ही यहाँ पर ग्लोवाल के पीछे और डाउन जरूर लेके जाएंगे, 2v2 की फाइट है। तो पिछले राउंड की अगर बात करते हैं तो गाइज वहां पे रोहित की हेल्थ कम थी, महेंद्र ने वहां पे ध्यान नहीं दिया और पीछे से वहां पे उनको जरूर गोलियां बरसी है और यहाँ पे ट्विस्ट को जरूर डाउन ले लिया गया। ट्विस्ट को रिवाइव मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। महेंद्र जरूर यहाँ पे उठ के जाने वाले हैं, आरजी को यहाँ पे डाउन ले लिया गया। 1v2 की फाइट हो चुकी है, 1v2 का क्लच कौन ये राउंड लेके जाने वाला, और यहाँ पे डाउन ले लिया गया रोहित को भी। 1v2 की यहाँ 1v1 की फाइट हो चुकी है, 1v1 ब्लैक महेंद्र राउंड किसकी तरफ जाने वाला है, जल्दी गाइस कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पर किसी की तरफ भी राउंड जा सकता है। दोनों ही हमारे सुप्रीम में खेलने वाले प्लेयर और कॉम्बिनेशन में आज इनका मैच देखने लायक है। मेंटली यहाँ पर मेंटली अगर बात करें या गेम प्ले की बात करें, दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ इनका गेम प्ले। और यहाँ पर हेड आएगा, व्हाट अ टेरिबल हेड शॉट,
ब्लैक का हेड आएगा, यहां पर लाल नंबर देखने को मिलेंगे, ओनली एंड ओनली लाल नंबर, और 5-2 से अपनी टीम को लीड में लेके आएंगे। लगातार प्रेशर, लगातार दबाव बना जा रहा है आरजी और महेंद्र की तरफ से, और लगातार राउंड जोड़े जा रहे हैं अपने खाते में, और 5-2 से लीड में आ रहे हैं यहां पर ब्लैक की टीम, ट्विस्टर एंड रोहित। आठवां राउंड हो चुका है और आठवां राउंड कंट्रोल स्टेव में बना है, और मैन एडवांटेज कहीं ना कहीं जरूर यहां पर ब्लैक, ट्विस्टर और रोहित को जरूर फायदा हुआ है मैन एडवांटेज का, क्योंकि 2v3 की यहां पर फाइट यहां पर चल रही है गाइज। तो देखना होगा कि यहां पर वापसी होगी या नहीं होगी, उम्मीदें तो काफी है और आरजी और महेंद्र का गेम प्ले भी काफी सॉलिड है, तो ये वापसी कर सकते हैं। दमखम इतना रखते हैं, जिगरा है इनमें कि वापसी कर सकते हैं, लेकिन 2v3 का जब भी हम बात करते हैं तो मैन एडवांटेज की तरफ ही ज्यादातर राउंड निकलते हैं। तो मैन एडवांटेज की अगर बात करें तो ब्लैक ट्विस्टर और रोहित 2v3 की फाइट चल रही है, तो इस राउंड में अगर वापसी कर जाते हैं तो ठीक है, वरना यहां पर आरजी और महेंद्र को यहां पर निराशा ही हाथ लगने वाली है। और अगर गाइस बात करते हैं तो आरजी और महेंद्र के खेमे में यहाँ पर निराशा जरूर है, लेकिन ब्लैक ट्विस्टर और रोहित ये भाई उत्साह से फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि 5-2 से लीड में यहाँ पर चल रहे हैं और डैमेज ट्विस्टर को थोड़ा सा मिलेगा, उस तरफ रोहित को थोड़ा सा डैमेज मिलेगा, लेकिन डैमेज इतना मिल नहीं रहा है, हेड नहीं मिल रहे, सबसे बड़ी बात है हेड नहीं मिल रहे। यहाँ पर हेड मिलेंगे तो यहाँ पर डाउन भी हो जाएंगे, और 5-2 से यहाँ पर लीड है यहाँ पर ब्लैक के हाथ में, तो यहाँ पर मुकाबला काफी अच्छा चलता हुआ गढ़वाल लगाई जा रही है गाइस, और एक बंदे को जरूर डाउन ले लिया गया है, और ट्विस्टर महेंद्र को लेके जाएंगे और आरजी का किल भी यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ब्लैक की लीडरशिप में यहाँ पे काफी अच्छा मुकाबला दिखने को मिला, और ये राउंड और मैच सब कुछ निकाल के ले गए यहाँ पर ब्लैक, ट्विस्टर और रोहित, इन तीनों की तरफ से काफी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिला। और गाइस अगर बात करते हैं तो ब्लैक की किल की अगर हम बात करते हैं तो किल हो जाते हैं हमारे ब्लैक के 7 किल, हमारे MVP बन के बैठे हैं, और 3 रोहित और 2 ट्विस्टर, तो अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने दिया है। और अगर बात करते हैं तो महेंद्र दूसरी टीम के MVP रहे, तो राइजिंग स्पोर्ट के प्लेयरों ने गाइज अच्छा खासा सपोर्ट दिया और काफी अच्छा मैच लगा। गाइज आपको मैच कैसा लगा तो जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर गाइज।